अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप्स आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे अपने भाई के निकाह की व्लॉग शेयर किया था और ड्रेसिंग वगैरह सारी जो मैंने शॉपिंग की थी वो मैंने शेयर किया, तो मैंने कहा चले अब शेयर करते हैं आपसे मेहंदी का फंक्शन, ढोलक शोलक शेयर करते हैं आपसे। तो ये कुछ हमने ढोलकी की थी तो देख लेंगे, देसी काम किया हमने, गैस ना होने की वजह से हमने ना कोयले गरम करके, तो जी हमने देसी काम करके, तो स्टंट भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये जी हमने लाइटिंग वगैरह करवाई थी, तो अभी थोड़ी सी ढोलकी रखी थी तो साउंड मैंने थोड़ा सा कम किया है क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उस टाइम जब बंदा गा रहा होता है तो समझ में नहीं आता कि हम कितना ऊंचा बोल रहे हैं, और मोबाइल भी मेरे हाथ में था और काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ आ रही थी, इस वजह से ना मैंने इसका म्यूज़िक थोड़ा कम कर दिया था। तो चलें थोड़ा सा आप सुन लें कि हमने क्या गाया था। तो हम इंजॉय कर रहे थे भाई की ढोलक, तो उसके बाद आपसे मैं मेहंदी का शेयर करूँगी, मेहंदी का फंक्शन के कुछ क्लिप्स हैं तो आपसे शेयर करती हूँ, आप देखिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी अपनी सेहत ख़राब थी इस वजह से ब्लॉग नहीं बना रही थी मैं, क्योंकि सीज़न ही कुछ ऐसा है तो खांसी हो जाने की वजह से वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी, वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी मैं, बार बार खांसी शुरू हो जाती थी। तो अभी मैं कुछ बेटर फील कर रही थी तो मैंने कहा कि चले ना अभी आपसे शेयर करते हैं हम व्लॉग, ताकि बहुत ही टाइम हो गया मुझे, मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है, तो चलिए फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद ये आ गई थी हमारी मेहंदी हम सब लेके आ रहे थे, तो बहुत ही अच्छा ये दिन रहा था। अलावा सब बहन बेटियों के नसीब और सबके भाइयों के नसीब अच्छे करे, खुशियाँ दे। तो जी ये मेहंदी, तो बच्चे काफ़ी फ़ोटो वगैरह बनवा रहे थे स्टेज पे आके, तो मैंने कहा मैं भी फ़ोटो शूट कर लूँ सबके। तो जी अभी हम फ़ोटो शूट करें, उसके बाद खाना वगैरह, मेहंदी का फंक्शन होगा, मेहंदी लगाएंगे, फ़ोटो शूट होगा उसके बाद। तो फ़ोटो शूट होने के बाद जी आपसे फिर शेयर करेंगे हम, फुल स्टेज भी आपसे शेयर करूँगी। ये फुल देखें कितना बहुत ही प्यारा स्टेज बना हुआ था, मेहंदी का स्टेज बहुत ही नाइस था, देखें आप फुल कितना अच्छा लग रहा है। तो रात को मेहंदी वाले दिन ही हमने ढोली की रस्म कर ली थी भाई की, तो इसके बाद हम मेहंदी वगैरह लेके आए थे, स्टेज पे हमने सारा सामान रखा और उसके बाद हमने मेहंदी वगैरह लगवाई सबको भाई को, और ढोली जो होती है वो हमने उठाई और उसकी भी हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई थी, बहुत ज़्यादा मज़ा किया था, इन्जॉय किया था। तो मेरे चाचू की रिसेंटली डेथ हुई थी तो उनको हमने काफ़ी मिस किया है, और अल्लाह पाक ज़िंदगी दे मेरा भाई, एक ही मेरा भाई है जिसकी शादी की, तो अम्मी भी नहीं थी, अम्मी को भी हमने काफ़ी ज़्यादा मिस किया कि वो आज होती तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश होती। तो जिक्रा काफ़ी इंजॉय कर रही थी और कह रही थी मेरी पिक्चर बनाए, मैं डांस करूँगी, मैं ये करूँगी सॉरी। तो यहाँ पर हमने ना पिक्चर बनवानी थी, फ़ोटो शूट करना था, तो यहाँ पे हमारा फ़ोटो शूट हो रहा था, मैंने तो भाई की गडोली उठाई थी और हमारी यहाँ पे पिक्चर बन रही थी। आपको पीछे साउंड सिस्टम की आवाज़ आ रही होगी, पीछे काफ़ी ज़्यादा शोर था, साउंड सिस्टम था तो उस वजह से वो काफ़ी सॉन्ग वगैरह चेंज कर रहा था, तो उसकी आवाज़ मुझे कम करना पड़ी है ताकि आप डिस्टर्बेंस ना हो मेरी वॉइस में, क्योंकि वैसे भी मेरा गला ख़राब है। तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूर। और ये मेरे साथ में कज़न की भी शादी थी, तो दो फंक्शन थे हमारे, आप भी मेरे साथ शादी इंजॉय कीजिए, और आप फिर आपसे मैं बाकी फंक्शन भी शेयर करूँगी, वलीमा का भी शेयर करूँगी, बारात का भी शेयर करूँगी। तो मेरा गला काफ़ी ख़राब होने की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं शूट करती हूँ, कि आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे, जो मेरी फैमिली जो फ्रेंड्स हैं जो वेट कर रहे होते हैं मेरी वीडियो का, और मुझे कह रहे होते हैं कि आपका काफ़ी टाइम हो गया कोई व्लॉग नहीं आया, तो उनके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। तो आप सबकी दुआएं हैं और मुझे सपोर्ट भी कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, जैसे आप लोग हमेशा से करते हैं, जो लोग मेरी वीडियो शेयर करते हैं वो ज़रूर शेयर किया करें, मुझे सपोर्ट भी करें और इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग भी आपसे मैं शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह, आपसे बारात का व्लॉग और वलीमा का व्लॉग भी शेयर करूँगी,
तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।